इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए वाइट पेपर, कलर्स जो भी आपकी चॉइस हो, व्हीट फ्लार, कटोरी, कलर मिक्स करने के लिए टूथपिक, स्पून मिक्स करने के लिए कलर, ट्रे कलर जमाने के लिए और पानी, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पानी लेंगे, माप के कि हमें कितना पानी चाहिए, जितना पानी चाहिए उतना पानी इसे माप के ले लेंगे। फिर उसके बाद उस पानी को जितना भी ज़रूरत है उस पानी को कटोरी में ऐसे डाल देंगे। कटोरी में डाल के अब हम इसमें ये जो व्हीट फ्लार है ये इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे। 2 या 3 चम्मच व्हीट फ्लार डालेगा, ज़्यादा व्हीट फ्लार नहीं डालना है इसके अंदर, थोड़ा सा ही व्हीट फ्लार डालना है, ठीक है। इस तरह से व्हीट फ्लार इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेना है। मिक्स करना, व्हीट फ्लार हम लोगों ने इस कलर में इसलिए डाला है ताकि कलर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, नहीं तो वो थोड़ा लिक्विड लिक्विड रहता है ना तो ज़्यादा पानी पानी लगता है। जब आप इसमें कलर मिक्स करके कलर करोगे ना पेपर के ऊपर तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा व्हीट फ्लार डाल के देखो, पानी की जगह ये गाढ़ा हो गया ना। अब हम इसमें अपनी चॉइस के अनुसार कलर मिक्स कर लेंगे और आइस क्यूब में जमा देंगे। इसमें से हम 2-3 चम्मच यहाँ से यहाँ ले लेंगे और जो सा कलर हमें मिक्स करना है वो कलर इसमें मिक्स कर देंगे। कलर मिक्स कर दो इसके अंदर, गाढ़ा गाढ़ा कलर बन गया ये। अब ये कलर को हमको ट्रे के अंदर डाल देना है जमने के लिए। ये ट्रे के अंदर डाल देंगे, ये जो ट्रे में ना ये 2 क्यूब्स जम जाएंगे आपके लिए अच्छे से। और थोड़ी देर बाद जब ये ऐसे थोड़ा सा हार्ड हो जाएगी ना फ्रिज के अंदर, आप लोगों ने चेक करनी है, जब ये दोनों हार्ड हो जाएंगी ना हल्की सी, तो उसके अंदर टूथपिक लगा के हमको फ्रिज में रखना है, ठीक है। कलर मिक्स होते जा रहे हैं वो आपको इन क्यूब्स में डालते जाने इसे और क्यूब्स भरते जाने हैं। ऐसे ही आपको सारी ट्रे भर लेनी है अलग अलग कलर से, जो जो आपको कलर पसंद हो वो कलर के आप इसके अंदर ये मिक्सचर डालते जाओ, कलर मिक्स करते जाओ और अंदर डालते जाओ ट्रे में ऐसे जमने के लिए। ये मैंने येल्लो भी डाल दिया इसमें, इसे आप लोगों ने अच्छे से जमा लेना है इसको, बस कलर डाल के इसके अंदर जमा लो। इस तरह से अलग अलग कलर जमा लो, इस तरह से ये आइस क्यूब जम जाएगी। देखो सारी देखो ये सुंदर दिख रही कलर वाली आइस क्यूब्स। अब इससे हमें ड्रॉ करना, इस तरह से आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है। देखो मैंने 3 ड्रॉ किया है ना, और ये एक्टिविटी नीचे बैठ के करनी है फर्श पे, क्योंकि इससे गीला होगा शीट आपका, तो किसी और चीज़ पे बैठोगे तो गीली हो जाएगी, तो नीचे जमीन पे करनी है।